देखिए क्या है, आप सोच रहे होंगे ये क्या है। ये हैं केले के मालपुए जो हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं। बहुत इजी रेसिपी है, झटपट बन जाती है। ये 10 मिनट में इतना सारा बन गया है। मैंने 2 किले का बनाया है, पके हुए केले 2 किले ली थी मैं। चलिए इसका प्रोसेस देखते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं पुष्पा देवांगन, पुष्पा कुकिंग में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मालपुआ। केले से कैसे मालपुआ बनता है मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए प्रोसेस देखते हैं कैसा है। देखिए मालपुआ के लिए मैंने केले को छील के रखे हैं, इसको अच्छे से मैश कर देना है। थोड़े जैसे मैश कर दे रहे हैं, चाहे तो आप चाकू से भी इसको कट कर सकते हैं बारीक। उसके बाद मैं इसको जार देंगे। फिर इसमें मैं 1 कप मैदा डालूंगी। देखिए इस कप की छोटी सी है, छोटा साइज है। इसमें 1/2 कप सूजी, और ये थोड़ा सा मैंने नारियल का चूरा लिया है। चाहे तो आप फ्रेश नारियल उसको क्रश करके ले सकते हैं। ये मैंने लिया है बेकिंग सोडा। हम लेंगे चीनी, अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। थोड़ा सा मीठा चाहिए तो ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे मैं इसमें 1 कप चीनी डाल रही हूँ। अब ये दूध, ये छोटा ग्लास है कांच का, मैं इसमें 1 ग्लास ली हूँ। ये देखिए मैंने इसमें लिया है ये गोली इलायची थोड़ा सा, और ये 5 है हरी इलायची, इसको मैं इसमें थोड़ा सा कूट देती हूँ। बहुत इजी रेसिपी है, ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है। आप अपने घर में इजीली बना सकते हैं। जब भी केला अवेलेबल हो आपके पास तो आप बना सकते हैं। हम इसमें डाल देंगे, पूरा एक बार मैश कर देते हैं इसमें। इसको पीसते समय अगर ये घोल थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। चलिए इसको ग्राइंड करते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा चिरौंजी इसको भी ऐड कर देती हूँ। देखिए मैंने ग्राइंड किया है, ये बेटर तैयार हो गया हम लोग का। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। चाहे तो आप ऐसे ही हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंडर में सब एक साथ मिक्स हो जाता है। बॉल है उसमें ट्रांसफर करते हैं। तैयार हो गया है। अब इसमें ये 1/2 चम्मच देसी घी ऐड कर दूंगी मैं। इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अदरक फ्लेवर के लिए मैं सब कुछ डाल चुकी हूँ उसमें। थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ाना है। चलिए इसको हम लोग ढक के 1/2 घंटे के लिए रख देते हैं। चलिए सेट हो जाएगा रखता। देखिए मालपुआ का मिक्सर रेडी हो गया है, ये 1/2 घंटा हो गया है। मैं तेल को गरम कर रही हूँ, गरम हो चुका है ये तेल।
चलिए अब बनाते हैं। एक तरफ सीख जाता है, दूसरी तरफ हम लोग पलट लेंगे। इसको अच्छे सीखने देते हैं। देखिए कितना अच्छा बन रहा है। हम ये मालपुआ बहुत आसानी से अपने घर में बहुत अच्छे से बना सकते हैं, जैसे कोई भी ओकेशन आ गया। और ये केले का है, ऐसा लग नहीं रहा है। देखिए लेकिन केले से भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं। देखिए ये हमारे मालपुए हो गए हैं। एक्सेस तेल है वो मैं निकाल देती हूँ। देखिए कितने अच्छे बने हुए हैं। चलिए सेकंड प्रोसेस हम लोग और करते हैं। आप अपने घर में ये ट्राई कीजिए, बहुत इजी रेसिपी है ये। मैं बिना चाशनी के बना रही हूँ। चाहे तो आप चाशनी वाला, ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप चाशनी अलग से बना के ये कर सकते हैं। देखिए हमारे लास्ट मालपुए बनकर रेडी हो रहे हैं। चलिए इसको हम लोग अच्छे से पकने देते हैं। आप चाहे तो इसको पैन में भी बना सकते हैं, जो तवा रहता है हमारे पास नॉर्मल जिसमें हम लोग रोटी बनाते हैं उसमें। अच्छे से एक साइड हम लोग पक लेते हैं, फिर पलटाएंगे। देखिए लास्ट मेरे मालपुए हैं। चलिए मैं भी उसी प्रोसेस से इसको निकाल देती हूँ। ये पक गए हैं। देखिए हमारे मालपुए बन के तैयार हो गए हैं। चलिए इसको सर्विंग प्लेट में लो डेकोरेट करते हैं। ये अभी बने हुए हैं इसलिए काफ़ी गर्म है। ये मैंने थोड़ा सा काजू लिया है। देखिए लग रहे हैं ना इतने अम्मी। आप भी अपने घर में ये ट्राई कीजिए, बहुत इजी रेसिपी है। अगर आपके घर पका हुआ केला है उसका आप बहुत अच्छा डिश बना सकते हैं। और ये कोई भी ओकेशन में भी बना सकते हैं या घर में भी झटपट रेसिपी बना सकते हैं। अगर आपको मीठा खाने का मन करे तो ये केले का मालपुआ बहुत अच्छा है और टेस्टी भी है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और बताइए आपने अपने घर में ये बनाया कि नहीं। थैंक यू।